अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा हुआ है तुमने? मलाइका। मलाइका रखा हुआ है। मलाइका क्या करती हो तुम? बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ। ये जो एक जनरेशन आने वाली है ना, जो हमारे शो में आती रहती है रोज के हिसाब से, जो आएगी ना ये तबाह कर देगी। एक एक बंदा पढ़ा लिखा है जी। अब देखो बी एस आई टी कर, वेरी गुड। सवाल जवाब जी। मैंने इनसे ये क्वेश्चन था कि आप मतलब आपको हर बार शादी के लिए खातून कैसे मिल जाती है? मैंने सोच रखा था मैं अपनी शादी की बात नहीं करूंगा, जब करो आप कर लेते। हम ना समझते हैं कि जब हमारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं और हम बगैर किसी रिश्ते के एक दूसरे, हम बड़े स्टर्ड फील करते हैं। है जी, लड़कियां हैं तो मैं कहता हूं जब आप अल्लाह का नाम लेके किसी से निकाह करते हैं तो उसकी बरकत अलग होती है। बाकी आपके हालात घर के क्या होते हैं क्या नहीं होते ये तो बंदे जान, दो लोगों को ही पता होता है या अल्लाह को पता होता है क्या होता है सिचुएशन, ठीक है ना? सही बात। तो ये गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स का जो रिवाज है इसको बिल्कुल ना फॉलो करें। ये ना तो मिल भी कहाँ रहे हैं लड़कियाँ। अगर मिल भी रही हैं तो भाई कोशिश करो कि अपने हालात ठीक करो, ऐसे करो कि बीवी को अफोर्ड कर सको, उसकी फैमिली को अफोर्ड कर सको और अपनी फैमिली अफोर्ड कर सको, बिल्कुल शादी करो। राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम? इत्फा हावर। इत्फा, इत्फा का क्या मतलब होता है? यूनिटी, इत्फाक से रहने वाली। इत्फाक से रहे जी? आप इत्फाक से रहती हैं? जी जी, कोशिश करती हूँ। ये लोग तो नहीं कहते अरे तो इत्फाक से रहती हैं? हाँ जी, वरना लोग नहीं रहते। अच्छा ये बताइए कि क्या करती हैं आप? मैं लेक्चर हूँ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हैं? बहुत अलग सवाल लाई जी। मेरा शमून सर से सवाल है कि ये जो आजकल विलन्स हैं ये फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने वीक क्यों होते हैं, मतलब अपीयरेंस में इतने वीक क्यों लगते हैं? कमजोर विलन कह रही है? नहीं ये तो नहीं, पूछ रही हूँ आपसे सवाल है। नहीं मतलब मैं लगता हूँ वीक? नहीं आप नहीं लगते आजकल जो आ रहे हैं फिल्म्स में या कह रहे कमजोर, पीछे से कंपनी से कमजोर विलन आ रहे हैं भाई। देखे बात अपनी आवाज आती है मार्केट में खैर पीछे से गलत आ रहे हैं मान लिया। भाई बात यह देखें विलन जो होता है ना वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मिजाजी तौर पे होता है, फिजिकली तो एक बना दिया हमने, दिमाग में होता है आपके असल हाँ। में फुतूर जो होता है वो फिर किसी भी जिस्म में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है कि थोड़े लड़के जरा पतले पतले रहने लगे हैं स्मार्टनेस के नाम सिमट के रहने लगे लड़के। हाँ, सिमटे हुए लड़के आ रहे कंपनी से। तो मर्दानगी जो एक होती थी वो जरा सी हमें अब कम नजर आती है। तो मर्दानगी जो है वो आपके रवैये में नहीं होती, वो आपके अंदाज में होती है, आपके जिस्म में होती है। लोग हम समझते हैं कि हम जब हैवी हो जाते हैं तो हम बदमाश बन जाते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें हमें जिस्मानी तौर पे किसी को इंटिमिडेट नहीं करना है। क्या आपको अल्लाह ताला ने बॉडी अच्छी दी है या आप लंबे चौड़े हैं तो आप डराते फिरें लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। शमून भाई आपको लगता है मैं विलन बन सकता हूँ? आप हैं भैया, आप हैं। अच्छा। आप एक कॉमेडी विलन है, आपको पता ही नहीं है इस बात का। अगला लाओ भाई मार्केट में।